नमस्कार साथियों, रोहित क्लासेस में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आप देखते हैं अपन राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है, भौतिक प्रदेश के अंदर राजस्थान में जो मुख्य महत्वपूर्ण चार भागों में विभाजित किया गया था, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना के अनुसार इसने राजस्थान की धरातल, जलवायु और नदी जो बेसिन है उसके आधार पर बांटा। कितने भागों में बांटा? चार भागों में विभाजित किया राजस्थान को। जो इसकी प्रादेशिक भूगोल की पुस्तक थी इसकी, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की। राजस्थान का भौतिक प्रदेश, राजस्थान का भौतिक प्रदेश डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना। हरिमोहन सक्सेना ने धरातल, नदी बेसिन एवं जलवायु के आधार पर, जलवायु के आधार पर राजस्थान को चार भौतिक भागों में बांटा। भौतिक भागों में बांटा, कितने भागों में बांटा? चार भागों में बांटा हरिमोहन सक्सेना। जिसकी प्रादेशिक भूगोल थी, पुस्तक का नाम है इसकी, पुस्तक प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल ये पुस्तक छपी थी 1994 के अंदर। कब छपी थी? 1994 के अंदर। प्रादेशिक भूगोल थी ये इसकी पुस्तक थी। इसके अंदर जो नदी बेसिन है, जलवायु है, धरातल जो उच्च भाव था भूमि का, उसके आधार पर इसने राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश को चार भागों में विभाजित किया था। पहला है कौन सा था? पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। जो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है उसका भूभाग है जो 61.11% रखता है राजस्थान के अंदर इसका जो भूभाग है, और इसमें 40% जनसंख्या निवास करती है। जबकि अरावली प्रदेश है दूसरा नंबर, उसके अंदर 10% जनसंख्या निवास करती है और इसका 9% भूभाग है। कितना परसेंट है? 9% भूभाग है। पूरी मैदान है, पूरी मैदान के अंदर 23% भूभाग है, 39% जनसंख्या निवास करती है। जबकि सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व कहाँ स्थित है? पूरी मैदान के अंदर ही है। अब चौथा भाग है वो है दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, जो हाड़ौती का प्रदेश भाग है उसे कहते हैं दक्षिणी पठारी भाग। यह इसमें लगभग जो 6.89% है वो भूभाग है, जबकि 11% जनसंख्या निवास करती है। कितनी परसेंट? 11% जनसंख्या। सबसे कम भूभाग किसका है? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का है। जबकि जनसंख्या निवास सबसे कम करती है अरावली प्रदेश के अंदर। कहाँ करती है? अरावली प्रदेश के अंदर। वहां 10% जनसंख्या ही निवास करती है। अब देखते हैं जो चार प्रदेश हैं भौतिक प्रदेश इस प्रकार से हैं। पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय भाग, दूसरा है पूरी मैदानी भाग,
तीसरा है दक्षिणी पूरी पटारीवाल, या हाड़ौती पटार, हाड़ौती का भूभाग। जो चौथा है वो है अरावली प्रदेश। कौन सा है? अरावली प्रदेश। सबसे प्राचीन भाग है अरावली प्रदेश। कौन सा है? अरावली प्रदेश। सबसे प्राचीन भाग अरावली प्रदेश है। उसके बाद में उत्पत्ति हुई दक्षिणी पूरी पटारी भाग की, हाड़ौती भाग की। फिर उसके बाद में उत्पत्ति हुई वो पूरी मैदान की भी मानी जाती है। फिर उसके बाद में हुई अंतिम जो पश्चिम मरुस्थली भाग है लगभग 7,000 वर्ष पूर्व मानी जाती है। इसकी उत्पत्ति है सबसे बाद में हुई मानी जाती है। जो पश्चिम मरुस्थल भाग था उसकी बाद में उत्पत्ति हुई मानी जाती है। अब देखते हैं जो पश्चिम मरुस्थल है प्रदेश में कितना प्रदेश भाग है, कितना भूभाग है इसका, वो देखते हैं। इसमें भूभाग है 61.11%, 61.11% भूभाग। जबकि जो जनसंख्या निवास करती है वो करती है 40% जनसंख्या निवास करती है। पूरी मैदान के अंदर देखते हैं जो पूरी मैदान है वहां 23% भूभाग है। कितने परसेंट है? 23% भूभाग है और 39% जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या निवास करती है यहाँ पूरी मैदान के अंदर। यहां पर कितनी जनसंख्या निवास करती थी? 40%। अब देखते हैं दक्षिण जो पूरी पटारी भाग है, दक्षिणी पूरी पटारी भाग है, इसमें 6.89% भूभाग है। जबकि जनसंख्या निवास करती है यहां 11%, 11% जनसंख्या निवास करती है, जनसंख्या निवास करती है। अरावली प्रदेश के अंदर कितने परसेंट भूभाग रखता है? 9% भूभाग है, 9% भूभाग है। जबकि 10% जनसंख्या निवास करती है, जनसंख्या निवास करती है। कितनी परसेंट जनसंख्या निवास करेगी आप? 10% जनसंख्या निवास करती है। सबसे पहले उत्पत्ति हुई अरावली प्रदेश, उसके बाद में हुई दक्षिणी पूरी पटारी भाग की, फिर पूरी मैदान है, फिर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है। इनकी उत्पत्ति बाद में हुई मानी जाती है। सबसे अंतिम जो पश्चिम मरुस्थल भाग है इसके बारे में अध्ययन करेंगे आज। फिर अगला चैप्टर होगा वो पूरी मैदान का होगा, फिर उसके बाद दक्षिण पूरी पटारी होगा, फिर अरावली प्रदेश का जो चैप्टर होगा। सबसे पहले देखते हैं पश्चिम मरुस्थलीय भाग, राजस्थान के कितने भाग में फैला हुआ है, इसका विस्तार किस तरफ है, ये देखते हैं आज। जो पश्चिम मरुस्थल भाग है वो है 33 सागर का अवशेष माना जाता है। इसका 33 सागर का अवशेष माना जाता है, पश्चिम मरुस्थल और पूरी मैदान है। जबकि ये पटारी जो दक्षिण पूरी पटारी अरावली पटारी ये भाग है, ये बाद में जो चैप्टर होगा उसके अंदर अध्ययन करा दिया जाएगा इसका तीनों का। आज देखते हैं पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है वो 33 सागर का अवशेष माना जाता है। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है वो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश जो चतुर्थ महाकाल प्रोष्टि सीन काल के जो थार की उत्पत्ति थी वो 33 सागर के अवशेष के रूप में हुई थी। उत्तर पश्चिम जो मरुस्थली है, उत्तर पश्चिम मरुस्थली भाग भाग था वो एक चतुर्थ जो महाकल्प की जो प्लेस्टोसीन युग था, चतुर्थ महाकल्प जो कौन सी थी? प्लेस्टोसीन। ये चट्टान थी। इस काल में थार
मरुस्थल की उत्पत्ति हुई है। उत्पत्ति हुई मानी जाती है, क्या हुई मानी जाती है, उत्पत्ति हुई मानी जाती है। इसे जो टैती सागर का अवशेष ही जो थार मरुस्थल है, 33 सागर का अवशेष माना जाता है। 33 सागर था उसका अवशेष ही माना जाता है किसे, थार मरुस्थल प्रदेश। उत्तर पश्चिम जो मरुस्थल था वो चतुर्थ महाकाल के अंदर जो प्रोटिशियन काल था, जो चट्टान थी उसकी उत्पत्ति है थार मरुस्थल के रूप में हुई, और ये थार मरुस्थल है वो 33 सागर के अवशेष के रूप में माना जाता है। लगभग इसकी जो जलवायु प्रमाण के आधार पर इसकी उत्पत्ति हुई थी वो 7000 वर्ष पूर्व के बाद ही मानी जाती थी, जबकि 7000 वर्ष पूर्व ये अस्तित्व में नहीं आया था, इसके बाद में ही अस्तित्व में आया माना जाता है थार मरुस्थल है। जो मरुस्थल बनने का कारण है जो मानवीय क्रियाकलाप है, महत्वपूर्ण जो रोल था इसका था, मानवीय जो क्रियाकलाप है उनका ही रोल माना जाता है थार मरुस्थल का बनने का कारण। थार मरुस्थल बनने का कारण मानवीय क्रिया कलाप, क्रियाकलाप थे जो मानव की क्रिया थी उसके अध्ययन से ही ये थार मरुस्थल है उसकी उत्पत्ति हुई मानी जाती है। इसके क्रियाकलाप कौन कौन से हैं वो देखते हैं। जो मानव ने क्रियाकलाप के अतिचारण है, जैसे पहला है अतिचारण, जो चरागाह भूमि होती थी वहां पशुओं को आवारा पशुओं को छोड़ दिया जाता था, इसे धीरे धीरे वहां रेगिस्तान बनता गया अतिचारण के कारण। दूसरा है वनों का विनाश होता था वो इसका मूल कारण है। दूसरा कारण है वनों अनुलन। तीसरा कारण है वो है जनसंख्या का दबाव, कौन सा था, जनसंख्या का दबाव। यहां पे जनसंख्या अति तीव्र गति से बढ़ती रही, ये भी इसका महत्वपूर्ण कारण माना जाता है थार मरुस्थल का, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। एक है निर्भीककरण, निर्भीक जो करण था वो, और एक है जल का अनुचित प्रबंध, ये इसके महत्वपूर्ण कारण माने जाते हैं। जो मानव क्रियाकलाप थे इसमें यह है अतिचारण है, वनोन्मूलन है, जनसंख्या का दबाव है, और जल का अनुचित प्रबंध है, ये इसके महत्वपूर्ण कारण माने जाते हैं। और डॉक्टर जो ईश्वरी प्रसाद था, कौन था, ईश्वरी प्रसाद, इसने राजस्थान के जो मरुस्थल को किस नाम से पुकारा, रुक क्षेत्र का, किस नाम से पुकारा, रुक क्षेत्र के नाम से पुकारा था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने थार मरुस्थल को रुक्ष क्षेत्र का नाम दिया। किसने, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने, रुक क्षेत्र कहा था इसे थार मरुस्थल को, ये जलवायु के आधार पर इसका नाम दिया था रुक क्षेत्र, जैव विविधता। रुक्ष का मतलब होता है जैव विविधता, क्योंकि जो थार मरुस्थल था वो सर्वाधिक जैव विविधता वाला थार मरुस्थल माना जाता है, सबसे युवा मरुस्थल है,
सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व भी थार मरुस्थल के अंदर ही पाया जाता है। और सबसे नवीनतम युवा मरुस्थल है वो भी थार मरुस्थल ही माना जाता है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति है 7000 वर्ष बाद में ही हुई मानी जाती है, इससे पहले कोई अवशेष नहीं थे थार मरुस्थल के। चीनी यात्री हिंसांग था वो मरु प्रदेश को इस नाम से पुकारा, गुजरात प्रदेश के नाम दिया। चीनी यात्री हिंसांग, चीनी यात्री हेनशांग ने मरु प्रदेश को गुजरात प्रदेश के नाम से पुकारा। क्या नाम दिया इसने? गुजरात प्रदेश नाम दिया था। किसने? चीनी यात्री हिंसांग ने इस नाम से पुकारा था। जो थार मरुस्थल था, मरुस्थल प्रदेश था, उसको गुजरात प्रदेश के नाम से पुकारा था। किसने? चीनी यात्री हिंसांग ने, हिंसांग ने। फिर उसके बाद में जो उत्तर पश्चिम मरुस्थल प्रदेश ग्रेट पोलिया आर्कटिक अफ्रीका जो मरुस्थल है उसका पूर्वी भाग माना जाता है। क्या माना जाता है? उत्तर पश्चिम जो मरुस्थल प्रदेश है, उत्तर पश्चिम मरुस्थल जो भाग है, प्रदेश है, वो क्या माना जाता है? किस प्रकार इसकी प्रतिनिधि मानी जाती है वो देखते हैं। किससे मानी जाती है इसकी? जो ग्रेट पोलिया है, ग्रेट पेलियो है, ग्रेट पेलियो, ग्रेट पेलियो जो अफ्रीका आकृतिक जो महासागर अफ्रीका के अंदर था, मरुस्थल था, उसका पूरी भाग ही माना जाता है। आकृतिक आकृतिक अफ्रीका का पूर्वी पूरी भाग माना जाता है। उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश था ग्रेट पेलियो आर्कटिक जो अफ्रीका मरुस्थल है उसका पूर्वी भाग माना जाता है। कौन सा प्रदेश? उत्तर पश्चिम जो अपना मरुस्थलीय प्रदेश है वो ग्रेट पेलियो आर्कटिक जो पूरी अफ्रीका के अंदर था, आर्कटिक जो महासागर है या जो मरुस्थल है उसका अवशेष ही माना जाता है। इसका पूर्वी भाग है, पूरी छोर है, उससे उत्पत्ति भी मानी जाती है उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की, इससे ग्रेट पेलियो से। और जो अफ्रीका में जो सारा मरुस्थल था, थार मरुस्थल था सहारा, वहां थार को ईर के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता था? अफ्रीका में सहारा में अफ्रीका की जो सारा प्रदेश है वो थार मरुस्थल को ईर के नाम से जानते थे। इसके नाम से ईर के नाम से जाते थे। अफ्रीका के सहारा प्रदेश में थार मरुस्थल को ईर के नाम से जाना जाता था, नाम से जाना जाता था। किस नाम से? ईर नाम से जाना जाता था। कहां? सहारा के अंदर, अफ्रीका की सहारा प्रदेश है, वहां थार मरुस्थल को ईर के नाम से जाना जाता था। अब देखते हैं पाकिस्तान में थार मरुस्थल को किस नाम से जानते हैं? वहां जानते हैं चोलिस्तान के नाम से। पाकिस्तान में थार मरुस्थल को चोलिस्तान के नाम से जाना जाता था।
किस नाम से जाना जाता था? चोरिस्तान के नाम से जाना जाता था पाकिस्तान के अंदर, जबकि लीबिया और मिस्र में थार मरुस्थल को सिटी कहा जाता था। मिस्र एवं लीबिया में थार मरुस्थल को सिटीर के नाम से जाना जाता था। इस नाम से जाना जाता था, सिटीर के नाम से जाना जाता था। जो मिस्र और लीबिया है वहां पे सिटीर कहा जाता था थार मरुस्थल को। इस नाम से थार मरुस्थल को सिटीर के नाम से जाना जाता था। थार मरुस्थल को राजस्थान में इस नाम से जाना जाएगा, थली के नाम से। राजस्थान में थार मरुस्थल को थली के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? थली कहा जाता है। अब जो थार मरुस्थल है उत्तर पश्चिम भाग के अंदर राजस्थान में फैला हुआ है, उत्तर पश्चिम मैदान में फैला हुआ है, वह ऊपरी मैदान है, जो ऊपरी छोर है वहां तो इसे थली कहेंगे। क्या कहेंगे? थली प्रदेश के नाम से जाना जाएगा। जबकि जो दक्षिणी भाग है, दक्षिण से पूर्वी निचला भाग है, वो जाना जाएगा थली कहा जाएगा। यह अलग अलग इसके नाम है। जो ऊपरी छोर है, प्रवेश द्वार है, वो थली कहा जाएगा, जबकि इसका पूरी मैदान जो अंतिम छोर है वहां थली कहा जाएगा थार मरुस्थल को राजस्थान के लिए। अब थार मरुस्थल विश्व का सबसे युवा मरुस्थल माना जाता है। क्या माना जाता है? सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है, सबसे युवा मरुस्थल है, आधुनिक मरुस्थल माना जाता है इसे। थार मरुस्थल को युवा मरुस्थल कहा जाता है, कहा जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल भी कहा जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल है। सबसे युवा है, आधुनिक मरुस्थल भी कहा जाता है इसे। आधुनिक के नाम से भी जाना जाएगा थार मरुस्थल को। और जो थार मरुस्थल है वह सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल माना जाता है। थार मरुस्थल को सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कहा जाता है, कहा जाता है। जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है वह थार मरुस्थल के अंदर ही है। जितने भी मरुस्थल हैं विश्व के अंदर, सबसे ज्यादा जनसंख्या का घनत्व है वो है थार मरुस्थल के अंदर ही माना जाता है। क्षेत्रफल में विश्व का सबसे बड़ा शत्रु जो मरुस्थल है वो है थार मरुस्थल।
हार मरुस्थल विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सत्रवा बड़ा मरुस्थल माना जाता है। क्या माना जाता है? क्षेत्रफल की दृष्टि से है जो इसका नंबर है वो सत्रवा है। थार मरुस्थल का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा नंबर है? सत्रवा है। जो विश्व के जितने मरुस्थल हैं उनमें इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से सत्रवा नंबर आता है, थार मरुस्थल का है। फिर उसके बाद थार मरुस्थल है जो पोषण की दृष्टि से, थार मरुस्थल पोषण की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है? नौवां स्थान रखता है। थार मरुस्थल है, थार मरुस्थल पोषण की दृष्टि से नौवां स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? नौवां स्थान रखता है। जो पोषण है, जलवायु है, उसकी दृष्टि से इसका नौवां स्थान है माना जाता है थार मरुस्थल का। थार मरुस्थल को विश्व का सबसे धनी मरुस्थल प्रदेश भी कहा जाता है। थार मरुस्थल को विश्व का धनी मरुस्थल कहा जाता है, कहा जाता है। जो धनी प्रदेश कहा जाता है इसे थार मरुस्थल को, विश्व के सबसे धनी प्रदेश में आता है जो थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल को विश्व का शक्ति ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व का शक्ति ग्रह भी कहा जाता है। थार मरुस्थल को विश्व का शक्ति ग्रह ग्रह भी कहा जाता है। शक्ति ग्रह कहा जाता है क्योंकि यहां परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत प्राप्त हुए माने जाते हैं। क्योंकि परंपरागत गैर परंपरागत के स्रोत प्राप्त हुए, ऐसा कोई मरुस्थल नहीं है वहां परंपरागत और गैर परंपरागत का स्रोत प्राप्त हुआ। सबसे पहले वो जो प्राप्त हुआ वो थार मरुस्थल के अंदर ही प्राप्त हुआ माना जाता है। इसलिए इसे विश्व का शक्ति ग्रह भी कहा जाता है। इसे थार मरुस्थल को, जो थार मरुस्थल है शुष्क वह अशुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है थार मरुस्थल के अंदर, शुष्क अशुष्क जलवायु। थार मरुस्थल के अंदर जलवायु शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। कौन सी जलवायु पाई जाती है? शुष्क अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। कहां पे? थार मरुस्थल के अंदर। थार मरुस्थल में जो ग्रीष्म जो ऋतु होती है उसमें चलने वाली जो गर्म हवाएं होती हैं उसे थार मरुस्थल किस नाम से जाना जाएगा? उसे लू कहा जाएगा। थार मरुस्थल
में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली ने वाली हवा उसे क्या कहा जाएगा? लू कहा जाएगा। जो गर्म हवाएं चलती हैं ग्रीष्म ऋतु में, कौन सी हवा चलती है? गर्म। इस हवाओं को लू के नाम से जाना जाता है थार मरुस्थल में, लू कहा जाता है। इस नाम से जाना जाएगा, लू के नाम से जाना जाता है। जो थार मरुस्थल में ग्रीष्म ऋतु है उस समय जो गर्म हवाएं चलती हैं उसे लू कहा जाता है। इस नाम से जाना जाएगा, लू कहा जाता है। अब राजस्थान के अंदर जो थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार है वो जोधपुर सिटी को कहा जाता है। जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर पूरा ही आ गया इसके अंदर। राजस्थान तान में थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहा जाता है, जोधपुर को कहा जाएगा। जो प्रवेश द्वार है राजस्थान में थार मरुस्थल का, उसे कहां प्रवेश करता है? जोधपुर के अंदर प्रवेश करता है, इसलिए इसे थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। जबकि थार मरुस्थल का सिंह द्वार है वो किसे कहा जाएगा? शेखावटी प्रदेश को। राजस्थान में थार मरुस्थल का सिंह द्वार वो है शेखावटी, शेखावटी प्रदेश को कहा जाता है। इसका सिंह द्वार है थार मरुस्थल का, इसे कहा जाएगा शेखावटी प्रदेश। थार मरुस्थल का केंद्रीय नाम से जो केंद्रीय भाग है वो भी जोधपुर को कहा जाता है। थार मरुस्थल का केंद्रीय भाग इसे कहेंगे जोधपुर को कहेंगे। और थार का जो प्रवेश द्वार है वो भी जोधपुर को, केंद्रीय भाग है वो भी जोधपुर को कहा जाता है। जबकि राजस्थान थार मरुस्थल का सिंह द्वार है वो शेखावटी प्रदेश को कहेंगे। थार मरुस्थल का जो उत्तरी पूर्वी हिस्सा है वो 644 किलोमीटर लंबा है, 644 किलोमीटर लंबा है। थार मरुस्थल का राजस्थान में उत्तर पश्चिम हिस्सा उसकी लंबाई है वह है 644 किलोमीटर, जबकि चौड़ाई है वह है 300 किलोमीटर। जो उत्तर पश्चिम हिस्सा है राजस्थान में थार मरुस्थल का उसकी जो लंबाई है वो 644 किलोमीटर है, जबकि जिसकी चौड़ाई है वो 300 किलोमीटर मानी जाती है थार मरुस्थल की। अब थार मरुस्थल का जो विस्तार है राजस्थान के अंदर लगभग 2,09,000 वर्ग किलोमीटर माना जाता है। थार मरुस्थल का विस्तार जो राजस्थान में दो लाख 9,000 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? 2,09,000 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी जो संपूर्ण थार मरुस्थल है उसका लगभग 62% माना जाता है। जो विश्व में थार मरुस्थल है दो देशों के अंदर है, भारत और पाकिस्तान के अंदर। अब भारत के अंदर जो इसका हिस्सा है कुल, उसमें राजस्थान का हिस्सा है वो 62% माना जाता है। थार मरुस्थल का कितना हिस्सा है? 62%। अकेला राजस्थान
इसका जो भूभाग है उसको रखता है, जो कि 3/5 माना जाता है। जबकि जो थार मरुस्थल राजस्थान के अंदर जो उत्तर पश्चिम भाग है वो है 2/3 भाग, 2/3 भाग माना जाता है। पश्चिमी भाग, उत्तर पश्चिम भाग जो थार मरुस्थल का फैला हुआ है राजस्थान के अंदर, उसमें उसका 2/3 भाग फैला हुआ है, जबकि संपूर्ण भाग है वो 3/5 माना जाता है। चेकआउट इसे क्या कहेंगे, सिंह द्वार के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में जो थार मरुस्थल का विस्तार है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। थार मरुस्थल का विस्तार राजस्थान में पश्चिम से पूर्व की ओर माना जाता है। कौन सी दिशा में फैला हुआ है? पश्चिम से पूर्व, जो पूर्व क्षेत्र है उसकी ओर फैला हुआ है थार मरुस्थल। जय हिंद दोस्तों।